ओम श्री परमात्मा ने नमः। तो आज का प्रश्न है द्वैत से अद्वैत की ओर। वेदांत दर्शन का ये सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। हर कोई द्वैत और अद्वैत की विशेष विशेष परिभाषाएं देते हैं आचार्य लोग, लेकिन इस टॉपिक के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि द्वैत ही ये प्रकृति है, ये संसार है। मात्र अद्वैत परमात्मा है जो योगजन्य है और निर्विकल्प समाधि में संस्कारों का क्षय निर्वाण, और उसके बाद कोई योगी अद्वैत होता है। तो अद्वैत अवस्था में पहुंचने की प्रक्रिया है ध्यान, योग साधना। मनुष्य का जन्म हुआ इस देहा पर, उसके शरीर में जल अग्नि मिट्टी वायु हवा आकाश पांच तत्व से निर्मित उसका ये शरीर, और इस शरीर में जो प्राण है मन बुद्धि चित्त अहंकार जो कार्य करता है थ्री डायमेंशन में सात्विक राजस तामस, तो परिवर्तन द्वैत का नियम है। बदलाव चेंजिंग द्वैत की प्रक्रिया है। अब स्वभाव में तमोगुण होने पर व्यक्ति मलिन होता है, कलुषित दूषित विकृत भावना वाला, काम क्रोध राग द्वेष लोभ मोह इच्छा वासना राग अज्ञान तिमिर भ्रम वासना, ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति महापुरुष के सानिध्य में रहता है, सेवा सानिध्य ना करते करते धीरे धीरे लंबी ध्यान साधना की प्रक्रिया के बाद उसमें ध्यान का विकास होता है, फिर उसके तमोगुण और तामसी संस्कार क्षीण होने लगते हैं। तमोगुण क्षीण होने लगा, रजोगुण बढ़ने लगा, और रजोगुण के बढ़ने से राग भोग इंद्री भोग वासना पद धन मान प्रतिष्ठा संसार और शरीरों को भोगने की लालसा, शरीर को माध्यम बना के मन जो है वो संसार को भोगता है रजोगुण में, राजसी प्रवृत्तियां राजसी भाव होने के कारण, क्योंकि मनुष्य धन पद मान प्रतिष्ठा ये सब चाहता है। लेकिन कुछ कुछ पुण्य आत्मा होते हैं, कुछ कुछ आत्माएं पुण्य आत्मा होती हैं जो पुण्य पुरुषार्थ से जिनमें निर्मलता शांति ज्ञान ध्यान विज्ञान करुणा इन दैवी भावनाओं का वृत्तियों का विकास हो जाता है, उसे कहते हैं सात्विक प्रकृति। जब मनुष्य की प्रकृति सात्विक होती है तब उसका शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार और पूरी प्रकृति पर संयम होने लगता है, वो धार्मिक हो जाता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है। तमोगुण खत्म होने पर तो अल्प मात्रा रजोगुण की है, लेकिन पूर्ण सतोगुण का विकास होने पर व्यक्ति निर्मल पवित्र एकांतवासी वो ध्यानी ज्ञानी विज्ञानी इन दैवी गुणों से संयुक्त हो जाता है, और साधना आगे बढ़ने पर वह समाधि को उपलब्ध हो जाता है। तब वहां ना तमोगुण का वेग है चित्त पर, न रजोगुण न सत्वगुण, अत्यंत निर्मल चित्त हो जाता है। तदाकार वस्तु परमात्मा की तद्रूप चित्त स्थायित्व पाने लगता है, चित्त में ठहराव आने लगता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, चित्त निष्पाप अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी समाधि में भी उसके चित्त में संस्कार है, और निरंतर अभ्यास करते करते चित्त जब निर्विकल्प समाधि में जिसे कहते हैं असंप्रज्ञात योग, विचार वितर्क आनंद अस्मिता असंप्रज्ञात समाधि, और अध्यात्म उन्नति हुई तो वो असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध हो गई,
वो सब मेरे सबीज और निर्वीज ये समाधियाँ भी सबीज समाधियाँ कही जाएंगी, क्योंकि दोष है इन अवस्थाओं में भी। निर्विकल्प समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद योगी को दृष्टा आत्मा की शाश्वत विभूतियाँ प्राप्त हो जाती है। उसका चित्त परम निर्मल, परम शांत और एकाग्र हो जाता है। उसका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार संस्कार रहित विमुक्त और निष्पाप हो जाते हैं। उस अवस्था में उस योगी का चित्त परम निर्मल, परम एकाग्र और परम प्रशांत होता है। लेकिन अब भी वो द्वैतमय है, जहाँ दर्शन, स्पर्श, स्थिति और विलय आत्मस्वरूप के दर्शन हुए, चित्त उसमें विलय हो गया, साधक उसमें स्थित हो गया, और अद्वैत अवस्था को प्राप्त हो गया। उसी अवस्था को वेदांत में कहा गया मोक्ष, निर्वाण। बुद्ध भगवान कहते हैं संस्कार छे और निर्वाण, कैवल्य परम पद, उसी को कहते हैं अद्वैत। कबीर साहब ने कहा जान नहीं द्वैत बखेड़ा, वहां द्वैत नहीं, जो द्वि पर विजय पाए वो द्विज, वो महापुरुष की अंतिम अवस्था है। उस अवस्था में योगी परम मुक्त, परम चैतन्य और निष्पाप जाता है। उसके अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, ये प्रवृत्तियां खत्म हो जाती हैं और दैवी वृत्तियां भी विलय हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया तो पांडव भी उनके मुंह में समा गए और कौरव भी। ये रूपक कथानक है। वास्तव में जब योगी का चित्त अद्वैत हो जाता है तो दैवी वृत्तियां और आसुरी वृत्तियां दोनों प्रवृत्तियां शांत हो जाती हैं, वो अद्वैत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो द्वैत में पूरा संसार है, संसार के जड़ जीव द्वैत में जीवन जी रहे हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता। लेकिन योग साधना करके कोई योगी आत्मज्ञानी अद्वैत हो जाता है, वह सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान से परे हो जाता है और उसका चित्त प्रशांत और एक रस हो जाता है अद्वैत। उसी अवस्था को कहते हैं मोक्ष, उसी अवस्था को कहते हैं निर्वाण, उसी अवस्था को कहते हैं परम ज्ञान। और योगियों ने इस अवस्था में पहुंचने के लिए निरंतर ध्यान किया, योग अभ्यास किया। ध्यान को लेकर के बहुत सी मान्यता है, नाम रूप लीला धाम जप करो, मंत्रों का जाप करो। आरंभ में मंत्रों का जाप किया जाता है, आगे जब ध्यान प्राप्त हो जाता है तो रिक्त श्वासें रह जाती हैं, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, अंदर परम शून्य, परम रिक्तता, प्रशांत अवस्था। उसी अवस्था में योगी लोग रहते हैं। छाओ छाओ रे फकीर गगन में फुट, तो वह अवस्था है आकाशवत। कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई भावना, कोई तरंग नहीं, निरंतर आकाश में चलने की क्षमता। उसी अद्वैत अवस्था को कहते हैं मोक्ष, निर्वाण। इस अवस्था में पहुंचा हुआ योगी संसार सागर से तर जाता है,
वो विशेष प्रकार से निवृत्त हो जाता है। यह अवस्था आती है जप और ध्यान से, त्याग वैराग्य से, योग साधना को संपादित करने से। अभ्यास वैराग्य वृत्ति तन निरोध, निरंतर सतत अभ्यास के द्वारा कंटिन्यूस 15-20 साल को योगी योग में लगता है निरंतर रात दिन, तब वो अद्वैत अवस्था को उपलब्ध होता है। और जो दुख है, जो कष्ट है जीवन में, वो द्वैत के चलते है, क्योंकि द्वैत में जो व्यवस्था है जीवन जीने की वो दुखदायी है, क्योंकि द्वैत का सिद्धांत है दो, शरीर आधार है, मन भोगता है और संसार भोग, ये द्वैत है। संसार को भोगो, वस्तुओं को भोगो, और अद्वैत कहता है कि जो अतिरिक्त सामग्री है मन बुद्धि चित्त अहंकार में, उस सबको योग से खत्म कर दो, एक रस हो जाओ, सदा एक रस निर्विकारी, वह अद्वैत अवस्था। यही इसी अवस्था को परमात्मा स्वरूप कहते हैं, निर्वाण भी मोक्ष भी खेलो, ब्रह्म स्वरूप या द्विज द्विज पर विजय पाने वाला, विभिन्न विभिन्न शब्द दिए तथाकथित गुरुओं ने। द्वैत अद्वैत की जो प्रक्रिया है वो क्रियात्मक साधना से प्राप्त होने वाली अवस्था है। अद्वैत में जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं वो द्वैत का अनुभव का विनय कर सकते हैं, लेकिन माया मोह उनमें नहीं है, वो परम निवृत्त और निवृत्ति प्राप्त हैं, वो निर्वाण को उपलब्ध हो गई, उसी अद्वैत अवस्था को जहाँ पुनर्जन्म नहीं होता। यही आत्मा का शाश्वत पद है, केवल परम पद। और उस अद्वैत अवस्था में सारे दुख, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं का नाश हो जाता है। अति सूक्ष्म बुद्धि से उस आत्म तत्व को जान लेने के बाद जीव परमानंद और परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। ओम श्री परमात्मा ने नमः।